व्हाट्सअप एवरीवन, इट्स योर बॉय ऋषि फ्रॉम शीशा फीड। और आज का आपका सभी का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। सो लेट्स डू दिस। टुडे वी हैव वन एंड ओनली आवर मून बाउल। सो हियर वी हैव मून किलर बाउल। सो मैंने इसमें कहीं भी मैंने जो नॉर्मल बाउल आते हैं, फनल हो गया या फिर फनल के और कई कैटेगरीज आते हैं, हमने आज उनको नहीं, हम आज जाएंगे थोड़ा सा ओल्ड स्कूल। बिकॉज मैं फनल जो यूज तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, पर मुझे भी खुद को ज़्यादातर पसंद है फाइव होल्स। लेट मी क्लियर दिस आउट। तो मुझे खुद को फाइव होल्स के जो बाउल्स हैं, ये है अपना मून बाउल, तो मुझे खुद को ये अपना फाइव होल्स वाला ट्रेडिशनल स्टाइल बाउल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं क्या बताऊँ। तो इसके साथ तो पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके ऊपर डिटेल देता हूँ। तो ये जो बाउल है अपना मून का, ये सेम कंपनी में बनता है जहाँ पे ओबलाको की सेम टेक्निक के साथ इसको बनाया जाता है। तो इसमें और ओबलाको में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्राइस का ऊपर नीचे है। और मेन मुझे इनकी बात सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी, तो ये एक देते हैं इनका कॉम्प्लीमेंट्री एक लकड़ी का व्हाट यू कॉल इट फ्लेवर डालने के लिए। और साथ में सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग जो इन्होंने चीज़ की है वो की है इन्होंने साथ में ये नोजल वाली रबर डालकर, जो कि आपके बाउल के नीचे लगती है। तो टोटली अगर आप कोई भी ओरिजिनल और भी बाउल लेते हो तो उसमें क्या इशू आ जाता है कि आपकी कई बार रबर प्रॉपर नहीं फिट होती, साइज प्रॉपर नहीं होता, फॉयल कागज़ पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है। तो इसमें आपको उस चीज़ का झंझट ख़त्म कर दिया इन्होंने। साथ में इन्होंने एक अपना पीस दे दिया, जाकर नीचे लगाओ और बाउल आपका रेडी। तो मेनली ये बाउल को मैंने क्यों चुना, ये क्यों बाकियों से अलग है और बाकियों से थोड़ा सा अलग है और बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, तो मेनली ये हम क्लाउड के साथ, प्रोवोस्ट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। लाइक कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है इसको। तो यहाँ पे मेरे पास अपना ओडोमेन का इग्निस लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि इसके यहाँ पे ये फ्लैट सरफेस है, जिसके कारण कि आपको ना इसको किसी भी डिवाइस के साथ ये कंफर्टेबल है, यानी किसी भी डिवाइस के साथ ये बढ़िया काम करता है। और ये अपना क्लाउड लग गया लोटस 2, और ये अपना फूमो का क्लाउड 1 लग गया। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फिटिंग होती है, निकलता नहीं है, हिलाई पे गिरता नहीं है। तो ये चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और इसके ऊपर हम फॉयल और क्लाउड जो हमारा मन करे उसको हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बात करें अपने इसके जो डिज़ाइन की, तो एक मिनट, लेट मी फकिंग फोकस इट, सो यू कैन सी द ओशन डिज़ाइन इन इट। तो इसमें भी मेरे ख्याल से जो अपना ओबलाको में इशू आता है ब्लीडिंग वगैरह का, क्योंकि मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस किया कि इसमें भी धीरे धीरे ना क्रैकेस वगैरह आएंगे, जो कि हमारे नॉर्मल ओबलाको के अंदर भी आते हैं, क्योंकि यार ग्लेस जो होते हैं उनमें थोड़े से क्रैक वगैरह का इशू हमेशा से रहता है। या भी कुछ ब्रांड्स हैं जिनका मैंने नाम सुना है, वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं स्पेशल चीज़ों के ऊपर, ताकि वो क्या कर सकें इसमें क्रैक्स ना आए और अपना जो अपना मोलासिस है वो अपने बाउल के अंदर जाके बाहर से ब्लीड ना करें या इंटरनली ब्लीड ना करें, ठीक है। तो बाकी बात करें यार इस बाउल की, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो कि स्पेशल है, और बाकी यार ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल है तो प्यारा तो हो गई। तो स्पेशल इसमें क्या है वो मैं इसको पैक करके एक बार पैकिंग दिखाकर फिर आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बाउल के बारे में भी बता देता हूँ साथ के साथ, जैसे मैंने इसको पैक कर लिया अभी। इसमें आप कम पैक भी कर सकते हैं, वैसे ही लार्ज साइज के अराउंड आता है, पर इसमें आप कम टोबैको भी डाल सकते हैं। तो मेनली इन्होंने ना इसमें एक ऐसी टाइप की जो इसकी बाहर की जो ये ग्लिसरीन है, जो कि ग्लेजिंग की है और इसके अंदर जो ग्लेजिंग की है, इन्होंने इसमें ना थोड़े से ऐसे मटेरियल्स डाले हैं जो कि अपने फ्लेवर को थोड़ा सा इंटेंसीफाई करते हैं, या कह लो कि थोड़ा सा उभार कर लेकर आते हैं। और ये रशियन व्हाइट क्ले से बना हुआ अपना बाउल, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इंटेंसीफाई करने के लिए उन्होंने थोड़ी सी कोई मटेरियल्स ऐसे यूज़ किए हैं जो कि फ्लेवर को ना थोड़ा सा उभारते हैं। तो ये चीज़ मैंने थोड़ी सी पहले मजाक में ली थी, पर जब मैंने इसको यूज़ किया ना तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, थोड़ा सा हीटअप होता है, पर ये ऐसे लेवल पर होता है कि थोड़ा सा फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा सा निकल कर आता है। तो ये नहीं कह सकते कि हाँ प्रॉपरली एकदम से बर्न हो रहा है, ये भी नहीं कह सकते कि हाँ कि ये गले में लग रहा है कुछ भी, पर हाँ थोड़ा सा फ्लेवर ना थोड़ा सा बढ़कर आता है। तो वो इसी कारण हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा हीटअप होता है, पर ये थोड़ा सा बढ़िया वे में होता है, वैसे नहीं होता कि भाई फ्लेवर ही जलाकर सारा का सारा खराब कर दिया, वैसे वाला हीटअप नहीं होता। इसमें हीटअप होता है पर वो वाला नहीं, समझ रहे हो ना।
तो मेनली अपना वाइट रशियन क्ले वगैरह से बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें इंटेंसिफाई करता है और इसकी इजी ग्लेजिंग होने के कारण साफ भी बढ़िया जल्दी से हो जाता है, ठीक है। तो बाकी इसके ऊपर आपको मैं फॉयल वगैरह का सारा टेक्निक दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि मेनली तो इसमें अंदर जैसे अभी सभी लोग करते थे वैसे ऐसे करके होल सेंटर तक कर दिए। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता था, यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकोगे कि मैंने सारा का सारा टोबैको ऐसे ही डाल दिया इसमें, और सेंटर में बिल्कुल जो सेंटर वाला होल होता है ने पोकर से बिल्कुल उसको हल्का सा खोला है, सिर्फ ज़्यादा नहीं खोला। तो इसका कारण भी बताऊंगा मैं आपको, वो आगे थोड़ा सा एक बार स्टार्ट हो जाए मेरे हुक्का। तो मैं इसके ऊपर फॉइल लगा कर उसको रेडी करके भी लेकर आता हूँ, वो स्मोक करते हुए आपको दो तीन चीज़ें जो इसके फायदे हैं स्पेशली इस बाउल के बताता हूँ, वी विल बैक। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें जो होल्स वगैरह किए हैं वो ऐसे किए हैं कि सभी और फैला दिए होल्स, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं किए। तो इसके ऊपर मैंने इसके बाद इसकी जो साइड है रिम की उसको भी अपनी उंगली से थोड़ा थोड़ा दबा दिया है। तो उससे क्या होगा, अगर आप प्रोब्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या होगा आपकी जो हीट है वो प्रॉपरली अंदर जाएगी और उसको हीट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी ऐसे करेगी। सो यहाँ पे बाउल हो चुका है मेरा सारा का सारा रेडी। तो मैंने यूज़ किया दो पोल और साथ में अपना प्रोब्स और अपना मून बाउल। तो मेनली जो मैं बातें आपको बताना चाहता था मैं अभी बता सकूंगा क्योंकि मेरा भी हुक्का रेडी हो चुका है। तो पहली बात, क्योंकि अगर आप एडजस्टमेंट स्टाइल लॉन्ग टाइम से यूज़ करते होगे आपको एक चीज़ पता होगी कि जब भी आप बीच में पाइप में फूंक मारते हो तो उससे क्या होता है, जो आपका नीचे वाला लेवल वाला प्रेशर होता है अगर वो ऊपर जाता है तो वो क्या करता है पाँचों होल में से ऊपर जाकर फ्लेवर को थोड़ा सा ऊपर उठाता है, फिर वो फ्लेवर दोबारा से नीचे हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि फ्लेवर आपका ना हिलता रहता है। तो उससे क्या होता है आपका जब भी हीट जाएगा अंदर, जब भी आप करके पर्ज करके अंदर दोबारा खींचोगे तो उससे क्या होगा आपका जो अंदर टोबैको है, नॉर्मली फनल में क्या होता है वो टोबैको एक जगह पर पड़ा रहता है तो कई बार क्या होता है कि वो ऊपर से जल जाता है, कई बार नीचे से नहीं जलता या फिर उसको इवनली कई बार नहीं बर्न होता। तो इसमें आपको वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इवनली बर्न होगा सारा का सारा टोबैको, क्योंकि जब भी आप फूंक अंदर को मारोगे तो वो थोड़ा सा हिलेगा एंड हिलने के बाद उसके बाद जब दोबारा से ड्रॉ अंदर लोगे तो आपका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा खिंचकर आएगा, ठीक है, खिंचकर। तो इवनली मैंने सब कुछ फ्लेवर खत्म होने के बाद अपना पैक जब खोला तो मैंने देखा सारा का फ्लेवर मैंने खिलाकर डाला था, फ्लफ पैक किया था, पर वो फिर भी सिकुड़ कर सेंटर में आ गया था। तो इससे क्या हो रहा है कि वो इवनली बर्न हो रहा है और वो साथ के साथ हिल भी रहा है, जिससे क्या होगा कि आपका टोबैको अगर आप ये लार्ज साइज है मेरे ख्याल से इसमें आप कम टोबैको भी डालोगे तब भी आपका बढ़िया वर्क करेगा अगर आप उसके रिंग्स को थोड़ा सा दबा रहे हो। और दो नंबर जो इसकी स्पेशल जो ग्लेज इन्होंने लगाई है उसका इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि हर बार आप जब भी ड्रैग लोगे तो छोटा सा मीडियम सा जो भी हीटनेस होएगा वो करने के कारण ना ये इसमें क्या हो रहा है कि हर बार जो भी मैं ड्रैग लेता हूँ उसमें फ्लेवर ना हल्का सा उभर कर आता है। तो ये चीज़ जो है मैंने यही चीज़ ट्राई करने के लिए ना आज ये क्लियर बाउल तीन बार किया और मेरे कम से कम आज के हो चुके हैं इस बाउल को मिलाकर सातवां बाउल एंड यस आई एम स्टिल अलाइव। तो इसके बाद मैंने उबलाको में भी या सब कुछ करके देखा, नहीं इसमें थोड़ा सा फर्क है, कह सकते हो हीट रिडक्शन का जो थोड़ा सा जो भी है। तो ये भी मोल्ड ही जैसे उबलाको में बनता है, जैसे मोल्ड बना दिया बीच में अपना डाल दिया सारा का सारा स्टफ, पर इसमें थोड़ा सा फर्क है हाँ। और बाकी जो लोग मेरी तरह जिसने स्टाइल के दीवाने हैं, ठीक है, जिनको कोई और भी ऑप्शन नहीं मिल रही थी जिसने स्टाइल में कोई ओरिजिनल बाउल, क्योंकि मैंने कई ब्रांड्स देखे उसमें बहुत कम आते हैं जिसने स्टाइल में, तो अभी ये बाउल अवेलेबल है। तो मैंने तो ये लिया था पफन स्टफ से, उनके शायद पास मेरे ख्याल से पफन स्टफ तो उनके पास शायद से ये ख़त्म हो गया होगा, तो एक बंदा और है क्योंकि ये दो बंदों के पास ही आता है, एक था पफन स्टफ और दूसरा आरसी रेड कासल इंडिया और यू कैन कॉल इट रेड कासल इंडिया। तो आप इन दोनों का लिंक दे दूंगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, आप दोनों में से जिसके पास भी आपको बेटर लगे उनको डीएम कीजिए, दोनों के पास होएगा पर मेरे ख्याल से पफन स्टफ के पास सोल्ड आउट हो चुका था टोटली। तो यू कैन आल्सो कॉल डीएम आरसी रेड कासल, बाकी एक बार पफन स्टफ को भी करके देख लियो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू यार, जो भी पहले मिलेगा उसको कर दो, तो अगर अवेलेबल हो तो ले। तो बाकी स्मोक की कैपेसिटी तो यार बहुत ही प्यारा हीटनेस सी वाला हर फ्लेवर का जो ड्रैग आता है वो
बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस बाउल में बताने के लिए, मेनली जो मैंने बातें आपको बता दी बस यही थी। तो कोकोया कोल्स विद लिटिल बिट एक्स्ट्रा सल्फर, तो आपने स्मोक की कैपेसिटी तो चेक कर ली है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है ये बाउल, ठीक है। और बाकी प्राइस की बात करें तो वो ब्लैको से सस्ता है और बजट बाउल है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसको मैं खुद रेकमेंड करता हूँ कि हाँ एक केआर एक ऐसा बाउल होना चाहिए आपके कलेक्शन में, ताकि आपको इजिप्शियन स्टाइल से दूर भी ना हो, आप ट्रेडिशनल स्टाइल के पास भी रहें और आपको न्यू न्यू चीज़ें के लिए ट्राई करने के लिए मिले। तो मेरी तरफ से ये यस यस है, बाकी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लीजिए बाय कीजिए और अपना नीचे फीडबैक दीजिए कैसा लगा कैसा नहीं। तो मेरे लिए आज की वीडियो बस इतना ही, तो मिलता है कई और नई वीडियो के लिए और नई वीडियो के साथ। इट्स योर बॉय ऋषि फ्रॉम शीशा फीड एंड अ पीस आउट।